नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन भारत और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। यूपी के बाराबंकी में कोरोना संक्रमण की जांच करने के लिए पहली ट्रूनेट मशीन जिला अस्पताल में लाई गई है, जिसके माध्यम से अब जिले में ही मरीजों की जांच होकर कुछ घंटे में ही रिपोर्ट मिल सकेगी। जनपद में कोरोना के मरीजों की संख्या जहां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वहीं इसकी जांच का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इमरजेंसी मरीजों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लखनऊ भेजना पड़ता था, जिससे रिपोर्ट आने में थोड़ी देर लग जाती थी, लेकिन अब इस ट्रूनेट मशीन से इमरजेंसी मरीजों को राहत मिलेगी। जिले में ही मरीजों की जांच हो सकेगी और कुछ घंटों में रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपचार भी मिलेगा। आपको बता दें कि इस मशीन को जिला अस्पताल के पैथोलॉजी लैब में लगाया गया है। जिला अस्पताल में पैथोलॉजी विभाग में ट्रूनेट मशीन लगाई गई है। ये प्रदेश के सभी जिलों में लगाई गई है, जो कि जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को, जिनको कि कोरोना आदि के लिए अगर संभावना है, तो उसको चेक करने के लिए ये मशीन लगाई गई, जिससे कि मरीजों को जो अभी वर्तमान में दिक्कतें हो रही हैं कि ऑपरेशन आदि में, उनको उसमें तेजी आए और मरीजों को असुविधा ना हो, इसलिए मशीन को सरकार द्वारा बहुत तेजी से लगाया गया है। प्रारंभिक तौर पे इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, जिसमें कि एक से सवा घंटे में एक मरीज की रिपोर्ट जो है इसमें आ जाए। रायबरेली जिले में 65 वर्षीय वृद्ध लक्ष्मण के हत्यारे को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल रायबरेली जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे ठगुराइन मजरे खैरहना गांव में बीती 15 जून को गांव के पास ही खड़ंजे में एक वृद्ध का खून से लथपथ शव मिला था, जिसमें मृतक के भाई की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस की जांच पड़ताल में जो तथ्य सामने निकल कर आया है, वह दिल दहला देने वाला है। बताया जा रहा है कि मृतक लक्ष्मण का उसके बेटे से ही विवाद था और उसने जमीन में हथियाने के लेकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। पुलिस हत्यारे बेटे राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के दौरान प्रयोग किया गया आला कत्ल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। क्या मामला है? थाना महाराजगंज में विगत वर्षों जो है, एक लक्ष्मण नाम के वृद्ध व्यक्ति की उसके घर के 50 फीट दूर खड़ंजे पर डेड बॉडी मिली थी, जिसके गले पर चोटें थी। जब इस घटना का अन्वेषण प्रारंभ किया गया, गहराई से छानबीन की गई, तो इसमें प्रकाश में ये बात आई कि इसके बड़े पुत्र राजकुमार ने ही इनको, जो उसकी जमीन थी 2 बीघे जो जमीन थी, उसको बेच करके अपना कर्ज अदा करना चाह रहा था तथा ये राजकुमार को कोई भी हिस्सा नहीं देना चाहते। इससे चुप्त होकर के राजकुमार ने अपने पिता की स्वयं लाठी से गले में तथा पैर में चोट पहुंचा करके उनको उनकी हत्या की, जो स्वयं राजकुमार ने सब स्वीकार किया है और राजकुमार को गिरफ्तार करके उसकी लाठी को भी बरामद कर लिया गया, जिससे उसने अपने पिता की हत्या की। खबर बहराई से है, जहां चीन द्वारा की गई शर्मनाक हिमाकत को देखकर हर कोई आक्रोशित है। अब देश का हर नागरिक ये चाहता है कि भारत डट कर चीन को मुंहतोड़ जवाब दे। जनपद बहराइच में आज हिंदू जागरण मंच के बैनर तले तमाम लोगों ने चीन का पुतला फूंकते हुए चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोगों का ये कहना है कि आज चीन अपनी औकात भूल गया है, ये 1962 का भारत नहीं है बल्कि 2020 का भारत है, जो हर मामले में चीन पर भारी पड़ेगा। हमारे सैनिक चाइना के हद में घुसकर जवानों को निस्तब्ध कर देंगे। लोगों का ये भी कहना है कि भारत को अब चाइना को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और हम सभी लोगों को चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। चाइना का मामला यही है कि पुरानी रीति के हिसाब से जो है, चीन ने हमेशा विश्वासघात किया है और जो आपको 15-16 की रात में सुनने को मिला, और चाइना ये भूल गया है कि ये 1962 का नेहरू का भारत नहीं है, ये 2020 मोदी का भारत है। छाती पर चढ़ करके हमारे सैनिकों के लहू का बदला उनकी गर्दन काट के लेना जानता है ये भारत, और हम ये जानते हैं कि मोदी बैठे हैं और यहाँ का जो जनमानस है वो बिना ट्रेनिंग के चाइना की छाती तक फाड़ करके और अपने भारत के सैनिकों का बदला लेने के लिए आतुर है। पड़ोसी राज्य नेपाल भी आंख दिखा रहा है। नेपाल आंख नहीं दिखा रहा है, नेपाल तो वो छोटा सा बच्चा है जो चाइना की गोद में बैठ गया है, वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार जो है वो चाइना की गोद में बैठ गई है। वरना नेपाल के नागरिकों से पूछिए कि आज भी भारत को मित्र की तरह मानते हैं, जो अपनी सरकार का विरोध भारत के विरोध करने पर कर रहे हैं।
खबर कन्नौज जिले से है, जहां इंदरगढ़ हसरेन क्षेत्र के पट्टी गांव निवासी पप्पू की पुत्री का थाना तालग्राम क्षेत्र के सुताह गांव के एक युवक से कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी खबर प्रेमिका के परिजनों को लगी तो प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमिका पर निगरानी शुरू कर दी, जिससे परेशान होकर प्रेमी बीती रात अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा, जिसकी भनक प्रेमिका के परिजनों को लगी तो उन्होंने घेराबंदी कर प्रेमी को पकड़ लिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि प्रेमिका के परिजनों ने मार मार कर युवक को मार डाला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची प्रभारी निरीक्षक विमलेश कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। अब बताएं आप, क्या घटना हुई थी आपको? वहाँ पर मेरा भांजा था जी, ठीक है, मेरे घर पे शादी थी। शादी के बाद में हम वहाँ जब पहुँचे, मेरे पास लड़की के भाई ने मेरे पास फ़ोन किया जी। फ़ोन करने के बाद में हम वहाँ जब पहुँचे जी, पहुँचने के बाद में जब वहाँ पे देखा तो वो अपनी बुलेरो में, उसको मतलब जांगिया और बनियान में जी, लड़का हमें गाड़ी की सीट पे लेटा हुआ मिला जी, ठीक है। उसको कुछ देर तक मतलब हाथों आवाज थे जी, ठीक है, जिसके मतलब लगभग 2-5 मिनट के बाद में जब वहाँ पहुँचे तो लड़के ने बोलना बंद कर दिया। फिर उसी अवस्था में हम उसको कानपुर लेके भागे, इन्होंने तिरवा में छोड़ दिया। तिरवा छोड़ने के बाद में हम रात में कानपुर लेके भागे, आरएस में दिखाने के बाद तिरवा उन्होंने जब मना कर दिया तो कानपुर लेके भागे। तो क्या कार्रवाई हो रही है? अब कार्रवाई का एप्लीकेशन दे रहे हैं हम थाने में, देखो क्या कार्रवाई हो। भारत सरकार के सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी बिंदु पर वांछित सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, लेकिन अधिकारियों को सूचना ना देनी पड़े इसके लिए वे तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ऐसे ही एक मामला राज्य सूचना आयुक्त ने बहराइच के सिटी मजिस्ट्रेट पर 15,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। आपको बताते चले कि जिले के RTI एक्टिविस्ट रोशन लाल नाविक द्वारा 1.5 वर्ष पहले एक सूचना मांगी गई थी, जिस पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिसके बाद RTI कार्यकर्ता द्वारा सूचना आयोग में अपील दाखिल की गई थी। बाद में आयोग के निर्देश पर जिन सूचनाओं को उपलब्ध कराया गया था वे पठनीय नहीं थे। इस पर सूचना आयुक्त ने पुनः वांछित सूचना देने का निर्देश दिए था, परंतु समय बीत जाने के बावजूद नगर मजिस्ट्रेट द्वारा विलंब का कारण स्पष्ट न करने पर सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना करने और समय को से सूचना उपलब्ध न कराने के कारण राज्य सूचना आयुक्त ने नगर मजिस्ट्रेट को 15,000 का अर्थदंड लगाया है। मैं सोशल वर्कर हूँ और RTI कार्यकर्ता हूँ। मेरे द्वारा कलेक्ट्रेट बहराइच की स्टाक पंजिका के बारे में कुछ सूचनाएं मांगी गई थी, जो कि उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस पर 12 मार्च 2020 को माननीय आयोग द्वारा तलब किया गया जिलाधिकारी को, जनसूचना अधिकारी को, जो कि उपस्थित भी नहीं हुए, न ही मुझे सूचना दिया, लिहाजा माननीय आयोग ने नगर मजिस्ट्रेट बहराइच के विरुद्ध 15,000 रुपये का अर्थदंड दिया। क्या मांगा था आपने इस सिलसिले में? क्या मैंने कार्यालय जिलाधिकारी बहराइच के स्टाक पंजिका की छायाप्रतियाँ मांगी थी, उसमें मुझको कुछ अनियमितता और घोटाले प्रतीत हो रहे थे, जिसके उजागर करने के लिए मैंने उसकी मांग किया था, जो कि उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। जब वो स्टाक पंजिका ही नहीं दी गई तो उसमें और भी तमाम घोटाले हो सकते हैं, लिहाजा वो उपस्थित भी नहीं दिए भी नहीं, तो आयोग ने आक्रोशित होकर उनके विरुद्ध 15,000 रुपये जुर्माना लगा दिया है। जनपद में आपके द्वारा कई अधिकारियों के ऊपर जुर्माना लगवाया जा चुका है, अधिकारी जवाब नहीं देते हैं और जुर्माना करवा लेते हैं, क्या वजह है? जनपद में मेरे द्वारा कई अधिकारियों के विरुद्ध जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कई बार कार्रवाइयाँ कराई गई हैं, परंतु अधिकारी जानबूझ के तमाम मामलों में जन सूचना इसलिए नहीं देते हैं कि अभी तो उनसे वो जन सूचना जब वो दे देंगे तो वो उसमें करोड़ों और लाखों का घोटाला रहता है, और जब वो दे देंगे तो उसको अवलोकन करने पर और भी घोटाले सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए वो नहीं देते हैं। लिहाजा वो जुर्माना कटवाना पसंद करते हैं, लेकिन सूचना देना पसंद नहीं करते, क्योंकि जुर्माने की रकम बहुत ही छोटी है और घोटालों की रकम और कृत्य बहुत बड़ा है।